हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पाली के एनजीटी कोर्ट दिल्ली व राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल जयपुर की सख्ती के बावजूद भी जिस तरह से पाली शहर के अलग अलग क्षेत्रों में कुओं पर फैक्ट्रियों के कपड़े की अवैध धुलाई हो रही है, उसकी सूचना के बाद देर रात्रि को जिला कलेक्टर के निर्देश पर तहसीलदार, नगर परिषद और प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अधिकारियों ने एक साथ कार्रवाई करते हुए यहां भारी मात्रा में कपड़ा बरामद किया है। वहीं 4 श्रमिकों को पूछताछ के लिए भी हिरासत में लिया गया। खास बात यह है कि अवैध धुलाई की पाबंदी के बावजूद भी पाली के कुछ प्रभावशाली उद्यमी अपना कपड़ा अवैध स्थानों पर धुलवाई करवा रहे थे, जिसका प्रदूषित पानी बिना उपचारित हुए सीधा नदी में जा रहा था, जिसकी लगातार मिल रही शिकायतों के बाद जिला कलेक्टर सुधीर कुमार शर्मा ने सख्त कदम उठाते हुए जिन व्यापारियों का माल है इनके विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई करने के साथ इन फैक्ट्रियों की कंसल्ट निरस्त करने के अलावा बिजली कनेक्शन काटने के भी निर्देश दिए। बीती रात्रि को अम्बेडकर सर्कल, आदर्श नगर व सिंधी कॉलोनी के निकट धुलाई की अवैध कुएं पर कार्रवाई करते हुए यहां धुलाई की अवैध 80 से अधिक हौदे तोड़े गए। इस कार्रवाई के दौरान भारी मात्रा में पुलिस जाप्ता भी मौजूद था। बरामद कपड़े के वाहनों को नगर परिषद के अग्निशमन केंद्र में खड़ा करवाकर नगर परिषद को सौंपा गया और प्रदूषण विभाग को कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया। पाली से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।